प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, तुलसी साहब जिन्होंने बहुत सी भाषाओं में रूहानी रास्ते को समझाया है, उनके पास बड़े लोग प्रभु को पाने के रास्ते के लिए पता करने के लिए आते थे। वो समझा रहे हैं कि पिता परमेश्वर को हम मिल सकते हैं, बता रहे हैं कि हम उन्हें कहाँ मिलें, कैसे मिलें। वो ये भी समझा रहे हैं कि रास्ता हमें कौन सा अपनाना चाहिए जो कि हमें पिता परमेश्वर के पास ले जाएगा। और ये भी समझा रहे हैं कि हम कहाँ पर प्रभु को पा सकते हैं, कि वो आसमान में है कि दरिया के बीच में है, कि पहाड़ पर है, कि प्रभु को पाया जाए तो कहाँ पाया जाए, ये भी यहाँ पे समझाया गया है। तो अगर इस गज़ल को आप सही तरीके से समझ लेंगे तो फिर जो ज़िंदगी का मकसद है, अपने आप को सही रूप में जानना और पिता परमेश्वर को पाना, वो आपके लिए ज़रूर पूरा हो जाएगा। कौन सा रास्ता है जो आपके लिए ठीक है, ये आपकी समझ में आएगा। और जब उस रास्ते पर आप कदम बढ़ाओगे तो ज़रूर अपनी मंजिल तक आप पहुंच जाओगे। हम सब पिता परमेश्वर को जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। सवाल ये उठता है कि ध्यान हमारा किस ओर है। बार 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 महाप्रभु समझा गए हैं कि जिस ओर हम ध्यान करेंगे हम वैसे बन जाएंगे। इस समय हम सब मन इंद्रियों के घाट पर जी रहे हैं, आँखों से हम देखते हैं, इसको सबसे प्रबल इंद्रिय कहा गया है। हमें डॉक्टर्स भी समझाते हैं कि जो 83% 83% जो हम करते हैं वो आँखों के जरिए है, इसलिए हम सोचते हैं कि हमने जो देख लिया वो सच है। जो दूसरी इंद्री इसके बाद प्रबल है वो सुनने की है। 14% इंसान की जो एक्टिविटी होती है वो कानों के जरिए होती है, सुनने के जरिए। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि ये तो मैंने खुद देखा था, मैंने सुना था, ये गलत नहीं हो सकता, क्योंकि हम अपनी आँखों पर और कानों पर बहुत भरोसा रखते हैं। और 3% एक्टिविटी हैं जो हमारे सूंघने से, चखने से और स्पर्श से होती हैं। तो इन 5 इंद्रियों के जरिए हम बाहर की दुनिया से इंटरैक्ट करते हैं, और जिससे इंटरैक्ट करेंगे, जिस ओर ध्यान होगा, हम वैसे ही बन जाएंगे। तो इस दुनिया से हमारे अंदर आता क्या है, जो हम देखते हैं उसमें जो हमें अच्छा लगता है हम उसे और देखना शुरू कर देते हैं, जो हम सुनते हैं, जो हमें सुनने में अच्छा लगता है हम उसे और सुनना शुरू कर देते हैं, जो खुशबू हमें अच्छी लगती है हम उसे और चाहते हैं हमारे अंग संग हो, जो खाना हमें अच्छा लगता है वही चीज़ें हम ज़्यादा खाने की कोशिश करते हैं, और जो फीलिंग्स ऑफ टच, जो स्पर्श के इंद्रिय है, उससे जो चीज़ अच्छी लगती है उसी के हम नज़दीक होना चाहते हैं। तो ये सब हमारे अंदर इम्प्रेशंस डालती हैं, और जब हम ध्यान से समझने की कोशिश करें, ये सब इस दुनिया से आती हैं। इसीलिए इंसान इस दुनिया को असल की दुनिया समझना शुरू कर देता है। इसलिए ज़िंदगी को जो हम जी रहे हैं, हम सोचते हैं ये असली ज़िंदगी है, कि महापुरुष समझाते हैं कि हम एक स्वप्न की ज़िंदगी जी रहे हैं। जब इंसान को स्वप्न आता है तो लगता है सब कुछ रियल था। आप जो ड्रीम कर रहे हो, आपको स्वप्न आए तो उसमें जो भी आप देख रहे हैं आपको लगता है वैसी था। एकदम से आप उठते हैं तो आपको समझ में आता है कि वो स्वप्न था। ऐसे ही जितनी देर हम इन इंद्रियों के घाट पर जीते रहेंगे, हमें यही लगता है कि जो कुछ हम कर रहे हैं ये सब सच है, ऐसे ही होना चाहिए। कबीर साहब ने फरमाया है, वो फरमाते हैं कि आदि साकी कबीर की करोड़ ग्रंथ का सार। जो करोड़ों ग्रंथ लिखे हैं उसका मैं एक ही लाइन में आदि साकी में आपको निर्णय करके बता रहा हूँ कि उसमें क्या, उसका श्रेय क्या है, उसके जिस क्या है।
कि आदि साखी कबीर की क्रूर गण का सार सत नाम जग झूठ है। सूरत शब्द हमारा, वो कहते हैं कि जो सच्चाई है वो नाम में है, शब्द में है, और जो जग है वो झूठ है। तो इस जग को महापुरुषों ने माया की दुनिया कह के समझाया कि ये जो असली दुनिया वहाँ से कहीं दूर है, जो अध्यात्म की दुनिया ये वहाँ से कहीं दूर है, और जब हमारा पूरा ध्यान इस दुनिया में रहेगा तो फिर हम सच्चाई को, पिता परमेश्वर को कभी पा नहीं सकेंगे। तो पहले तो हमें ये अनुभव करना होगा कि ये दुनिया जिसमें हमारा ध्यान है उसमें अगर ध्यान करेंगे तो हम प्रभु को कभी पा नहीं सकेंगे। और जो इम्प्रेशन हमारे अंदर आ रहे हैं अगर वो सिर्फ इस दुनिया से ही आएंगे तो फिर हम असलियत की ओर कभी बढ़ नहीं पाएंगे। तो तुलसी साहब फरमा रहे हैं कि दिल का हुजरा साफ कर जाना कि आने के लिए। अगर तुमने पिता परमेश्वर को पाना है तो सबसे पहले दिल का हुजरा साफ कर। हुजरा वो जगह होती है मस्जिद में जो सबसे शांत होती है, जहाँ मौलवी जी जाके आराम करते हैं, सबसे शांत जगह। कि जो दिल के अंदर सबसे शांत जगह वो क्या हुआ, हमारी आत्मा है, कि उसको हमने साफ करना है। वो उस वक्त वो मन माया के पर्दों से घिरी हुई है। और फरमा रहे हैं कि दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए। ये तो हम सब जानते हैं कि जब तक हमारी आत्मा इस शरीर में रहती है हम जीवित रहते हैं। इस शरीर की जान हमारी आत्मा है, और आत्मा को ताकत कहाँ से मिलती, परमात्मा से। तो जो जाना क्या रहा है वो प्रभु के लिए कहा है कि दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए। कि अपने अंदर अपने आप को साफ करें तभी पिता परमेश्वर आ सकते हैं, वो पवित्र हैं। हमें भी उस अवस्था में होना होगा। जब तक हम पवित्र नहीं होंगे तब तक हम उनसे अंग संग नहीं हो पाएंगे। इसलिए बार 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 समझाया जाता है कि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जिन्होंने हमें घेरा इससे हम परे हों। सद्गुणों से अपने आप को भरें, सच्चाई की ज़िंदगी जिए, अहिंसा की ज़िंदगी जिए, नम्रता से जिए, प्रेम से जिए, किसी के मददगार हों, करुणा से जिए। कि अपने आप को सद्गुणों से भरे ताकि अपने को पवित्र करें। और फिर फरमा रहे हैं कि ध्यान ग्यारों का उठा उसके बिठाने के लिए। इस समय हमारा ध्यान कहाँ पर है, ये सोच रहे हैं कल काम पर जाएंगे तो क्या होगा, परसों अकाउंटेंट के साथ मीटिंग है, टैक्सेस का टाइम आ रहा है, तीसरे दिन बच्चों को कहीं स्कूल में कहीं पे कुछ उनकी कोई पार्टिसिपेशन है किसी वहाँ लेके जाना है, चौथ को कोई हमारा रिश्तेदार बाहर से आ रहा है उनको मिलना है। तो ध्यान दुनिया की चीज़ों में हर समय यही सोचते रहते हैं, इसका क्या करना है, उसका क्या करना है, यहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे क्या होगा। और उसी और ध्यान करते करते अपनी ज़िंदगी गुजारते रहते हैं। तो तुलसी साहब फरमा रहे हैं कि ध्यान ग्यारों का उठा, कि ये सब ध्यान हमारा क्या करता है, हमारी आत्मा का जो भारी रूप है, जो अटेंशन है, जो ध्यान है, वो जब दुनिया की चीज़ों में होगा तो हम भी उसी ओर खींचे चल जाएंगे। तो फरमाते हैं कि ग्यारों का ध्यान जब उठाएंगे तभी उसकी ओर हम ध्यान कर पाएंगे। इसीलिए जो अध्यात्म का रास्ता है इसमें हमें सिमरन करने को कहा जाता है। सिमरन क्या है, प्रभु के नाम का जाप। तो प्रभु के नाम का जाप क्यों किया जाता है, ताकि ध्यान पिता परमेश्वर की ओर हो। और वो जाप जबान से नहीं किया जाता, क्योंकि जबान से करेंगे कानों को सुनाई देगा, ध्यान बाहर की ओर जाएगा। हमने ध्यान अंदर की ओर करना है कि प्रभु हमारे भीतर हैं, कहीं बाहर नहीं। तो जब मन ही मन करते हैं तो ध्यान प्रभु की ओर होता है और बाहर की चीज़ों से ध्यान हट जाता है। तो जो अभ्यास का तरीका है, जो कि अपने आप को जानने का तरीका है,
उसकी तरकीब बता रहे हैं। शरीर को शांत करना बहुत आसान है, कोई ऐसी जगह ढूंढे जहाँ शोरगुल नहीं हो रहा, तो ये सुनने की इंद्रिय आसानी से अंदर को खिंच जाती है। अब जब हज़ारों की तादाद में हम बैठे, अगर हम अभ्यास करना चाहें इसी समय अभ्यास कर सकते हैं, ये देखना कि हमारे शरीर का हिस्सा किसी और को ना लगे, नहीं तो अगर वो हिले जुलेंगे हम डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो स्पर्श की इंद्रिय अंदर को चलेगी। प्रभु ने ये सारी सृष्टि रची है तो सारी जगह पवित्र है, कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ हम अभ्यास नहीं कर सकते, हम कहीं भी अभ्यास कर सकते हैं। तो एटमॉस्फेयर को बदलने की ज़रूरत नहीं है, अगरबत्तियाँ जलाना है या उसको सुगंध से भरना उसकी ज़रूरत नहीं है, क्यों नहीं तो इन नाक के जरिए ध्यान बाहर की ओर जाता है, तो जिस अवस्था में उसमें ही रहें ताकि सूंघने की इंद्रिय अंदर को खिंच जाए। जब हम अभ्यास करें तो हम खाएं पिएंगे नहीं, तो चखने की इंद्रिय अंदर को खिंचगी, और आंखें बंद करेंगे तो देखने की इंद्रिय अंदर को खिंचगी। तो पांच इंद्रियों को अंदर करना बहुत आसान है, कोई भी जगह ढूंढें शांत जगह हो, हम बैठ जाएं आंखें बंद करें तो पांचों इंद्रियां अंदर को हो जाती हैं। होता क्या है, जैसे ही हम आंखें बंद करते हैं हमारा मन जो नहीं चाहता कि हम अभ्यास करें हमें कोई ना कोई विचार भेज देता है, कल क्या हुआ उसका विचार, कल क्या करना उसका विचार, कोई भी विचार आया नहीं ध्यान विचार में जाएगा और हम अभ्यास नहीं कर पाएंगे। तो मन को शांत करने के लिए हम सिमरन करते हैं, मन ही है जिसकी ताकत हमें विचार भेजती है, जब हम मन को प्रभु की ओर लगा देते हैं। तो जब मन ही मन हम प्रभु के नाम का जाप करते हैं उसका ध्यान प्रभु की ओर होता है, और उसमें फिर ताकत रहती नहीं कि वो हमें कोई विचार भेजे। उस अवस्था में हम अपने अंदर जो प्रभु के दो जाति रूप हैं ज्योति और श्रुति उनका अनुभव करना शुरू कर देते हैं। तो यह तुलसी साहब ये जो तरीका है अभ्यास करने वो हमें समझा रहे हैं कि हमने अभ्यास कैसे करना है, उसका पहला स्टेप बता रहे हैं कि दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए। संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमाया करते हैं कि एथिकल लिविंग इज अ स्टेपिंग स्टोन टू स्पिरिचुअलिटी, कि अपने अंदर सद्गुणु का होना एक पहला कदम है रूहानी रास्ते पर जाने के लिए। तो वही समझा रहे हैं कि हम अपने आप को पाक करें, साफ करें, पवित्र करें, और फिर जब हम अपने आप को सद्गुणों से भरते हैं फिर हम अभ्यास के लिए बैठें, और जब अभ्यास के लिए बैठें तो देखें कि हम अपना ध्यान पिता परमेश्वर की ओर कर रहे हैं। जो अभ्यास करने का तरीका है वो यहाँ तुलसी साहब बता रहे हैं कि किस तरीके से हमें अभ्यास करना चाहिए अगर आप असलियत को पाना चाहते हो। और आगे फरमा रहे हैं कि कुदरती काबे की तू मैराब में सुन गौर से आ रही धुर से सदा तेरे बुलाने के लिए। कह रहे हैं कि एक तो हम इंसान हैं जो मंदिर और गुरुद्वारे और मस्जिदें ये बनाते हैं जहाँ हम जाके प्रभु की प्रार्थना करते हैं। कह रहे एक कुदरत ने भी मंदिर और प्लेसेस ऑफ वर्शिप और एक बना हुआ, वो क्या है, वो इंसानी चोला है कि कुदरती काबे की तू मेहराब में सुन गौर से, कि ये जो शरीर है इसे हरि मंदिर कहा गया कि इसमें प्रभु बसते हैं, ये प्रभु का मंदिर, इसको नरनारायण देव भी कहा गया है कि इसमें आत्मा भी रहती है परमात्मा भी रहता है। तो फरमा रहे हैं कि कुदरती काबा, ये कुदरत ने काबा बनाया हुआ है, ये कुदरत ने प्लेस ऑफ वर्शिप बनाई हुई है, ये जो प्रभु ने देन दिया है जो मानव चोला आपको दिया है ये एक प्लेस ऑफ वर्शिप है, यही हमारा मंदिर है, यही हमारी मस्जिद है, यही हमारा सब कुछ है, इसमें हमें प्रभु मिलेगा। कि कुदरती काबे की तू मेहराब में सुन गौर से, मेहराब होता है शिव नेत्र, इसको शिव नेत्र कहें, दसवां द्वार कहें, मेहराब कहें, सिंगल या थर्ड आई कहें, अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम दिए गए हैं। कहने कि अपना ध्यान यहाँ पर लगा और यहाँ पर तेरे को अंदर से आवाज़ जिसको धुर की वाणी कहा गया है वो तेरे को सुनाई देगी। तो बता रहे हैं कि पहले शरीर को शांत करना है, आगे क्या करना है कि जो शब्द है, जैसे कबीर साहब ने फरमाया कि अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर थे सब जग उपजा कौन भले कौन मंदे, कि सबसे पहले पिता परमेश्वर थे, उनसे नूर उत्पन्न हुआ, उसको नूर कहें, उसको
शब्द कहें, उसको नाम कहें, उसको होली वर्ड कहें, उसको जो क्रिएटिव पावर है जिससे सारी सृष्टि रची गई उससे सब कुछ बना है। तो संतों का नज़रिया है कि सब कुछ प्रभु से आया, सब कुछ अच्छा है। ये हमारा नज़रिया, हम कहते हैं ये अच्छा है, ये बुरा है, ये ऊंचा है, ये नीचा है, लेकिन संतों महापुरुषों की नज़रों में हम सब अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि हम सब पिता परमेश्वर से आए हैं, तो वो हमारी अच्छाई को देखते हैं। और यहाँ पर यही समझा रहे हैं कि कुदरती काबे की तू मेहराब में सुन गौर से, कह रहे जो ध्यान है जब बाहर से हटाओगे तो अंदर की ओर करोगे। अब जब अंदर की ओर ध्यान करोगे तो कह रहे हैं ध्यान यहाँ करो और ध्यान से सुनने की कोशिश करो। और यहाँ पे कहेगा कि आ रही धुर से सदा तेरे बुलाने के लिए, कह रहे पिता परमेश्वर आपको बुला रहे हैं, आपको बहुत प्यार कर रहे हैं, कह रहे बहुत लाड हो गया आप, 84 लाख जिया जुन में बहुत चक्कर काट आए हो, अब वापस आ जाओ, आपको ये मानव चोला मिल गया है, उन्होंने आपको सब कुछ दे दिया था कि आप उनके पास वापस जा सकें। और वो आपको बड़े प्यार से बुला रहे हैं कि आ रही धुर से सदा, ये जो आवाज़ है पिता परमेश्वर धुर से आ रही, प्रभु से आ रही है, इसको धुर की वाणी कहा गया कि ये हमारे अंदर, इसी को शब्द कहा गया, इसी को नाम कहा, ये हर समय चल रहा है। ये वो नहीं कि जो टेलीविज़न होता है वो भी रात को कहीं ना कहीं बंद हो जाते हैं, रेडियो स्टेशन भी बंद हो जाते हैं, और आजकल तो बहुत सी चैनल चल रही हैं, तो एक प्रभु की चैनल है जो 2400 घंटे चलती है, 365 दिन साल के चलती है, साल ब साल चलती रहती है। और वहाँ से ये मधुर मधुर आवाज़ हमें बुलाने के लिए आ रही है, बड़े प्यार से बुला रही है, हमें बुला रही है कि हम उसके साथ जुड़ें। और कह रही है कि अगर तुम मेरे साथ जुड़ोगे तो तुम वापस प्रभु के अंग संग हो गए और 84 लाख जिया जो उनसे तुम्हें छुटकारा मिल जाएगा। तो शब्द के साथ हमने जुड़ना है, यही यहाँ हमें तुलसी साहब जी समझा रहे हैं। तो जो अभ्यास का तरीका है उसको खोल के समझा रहे हैं यहाँ पर कि अभ्यास कैसे करना है, कि हमारे अंदर प्रभु का शब्द चल रहा है जिसके दो रूप हैं, एक ज्योति एक श्रुति, एक लाइट एंड साउंड, हम उनके साथ जुड़ते हुए, शब्द के साथ जुड़ते हुए इस शरीर से ऊपर उठें, अंदर की दुनिया में उड़ान करें, इस बाहर की दुनिया से हम ध्यान हटाएं और अंदर की दुनिया में जाने का तरीका पाएं। और अंदर की दुनिया में जाना है तो यहाँ शिव नेत्र पर, 10वें द्वार पर एकाग्र होना पड़ेगा, ध्यान यहाँ पर टिकाना होगा, तभी हम अपने सद्गुरु की मदद से अंदर की दुनिया में जा पाते हैं। तो यहाँ पर तुलसी साहब यही समझा रहे हैं कि हम यहाँ ध्यान टिकाएं, कह रहे हैं कि कुदरती काबे की तू मेहराब में, मेहराब 10वां द्वार जो है शिव नेत्र है, मैं सुन गौर से, आ रही दूर से सदा तेरे बुलाने के लिए, कि अंदर में जो प्रभु का शब्द है वो चल रहा है, प्रभु का नाम चल रहा है, उनकी ध्वनि है, उसके साथ जुड़ और वो तेरे को अपने आप उससे साथ जुड़ेगा। तो जिस से हम यहाँ वापस आए हैं, इस धरती पर आए हैं, फिर हम वापस अपने निज धाम जा पाएंगे। तो जो प्रभु के शब्द के साथ जुड़ना है, जो ये पिंड का देश है जिसमें हम दे रहे हैं, इसे आगे अंड का देश, ब्रह्मांड का देश, पार ब्रह्म का देश, प्रसन्न का देश है, जो हमारे भीतर हैं, उनमें जाने का तरीका हमें यहाँ तुलसी साहब समझा रहे हैं। और आगे फरमा रहे हैं, तो फरमा रहे, क्यों भटकता फिर रहा तू ए तलाशे यार में, कह रहे पर्पज तो जिंदगी का यही है ना, प्रभु को पाना है, बाकी तो सब बाहर की चीज़ें हैं, नौकरी पे जाना, बच्चों को पालना, घर का ख्याल करना, ये सब वो कह रहे हैं ये तो इस दुनिया में जीने के लिए हमें करना पड़ता है, लेकिन हम आए किस लिए हैं? हम इसलिए तो नहीं आए कि हम यहाँ पे पैदा हों, पढ़े लिखें, उसके बाद नौकरी करें, शादी करें, हमारे बाल बच्चे हों, उनको पढ़ाते लिखें और फिर चल बसे, कि हम सबका कोई मकसद है, वो मकसद है पिता परमेश्वर को पाना, आत्मा का मिलाप परमात्मा से करवाना। तो उन्हें कह रहे हैं कि क्यों भटकता फिर रहा तू ए तलाशे यार में, हमारा वो यार है, यारों का भी यार है, दोस्तों का भी दोस्त है, पिता परमेश्वर को हमने पाना है, उसी के लिए हम इस धरती पर भेजे गए हैं, उसी लिए प्रभु ने हमें मौका दिया, नहीं तो हमारी आत्मा क्या पता कीड़ी में होती, क्या पता हाथी में होती, क्या पता शेर में होती, क्या पता सांप में होती, कहीं भी हो सकती थी,
84 लाख जिया जिनमें किसी भी योनि में हमारी आत्मा जा सकती थी, लेकिन वो प्रभु को हम पर दया आ गई, उन्होंने कृपा की और हमें ये चोला दिया, इस अवस्था में पहुंचाया कि हम उन्हें जान सकें पहचान सकें। तो फरमा रहे हैं कि क्यों भटकता फिर रहा तू ए तलाशे यार में, तो हम इस दुनिया में आके करते क्या, हम कहते फिजिक्स भी पढ़ लो, केमिस्ट्री भी पढ़ लो, मैथमेटिक्स भी पढ़ लो, स्पेनिश भी सीख लो, आजकल बड़ी पॉपुलर हो रही है, दुनिया की जानकारी के पीछे पड़े रहते हैं। तो समझा रहे हैं कि जानकारी किसकी करनी है, प्रभु की, अगर वो नहीं की तो ये जीना बेकार है, फिर से 84 लाख जिया जून में हम चले जाएंगे। ये प्रभु ने मौका दिया है हमें वापस जाने का, अगर हमने इस मौके का फायदा उठा लिया तो हम जिस देह से यहाँ भेजे गए हैं वो देह पूरा हो जाएगा, लेकिन अगर हमने इस मौके का फायदा नहीं उठाया तो क्या होगा, इस जिंदगी के बाद फिर 84 लाख जिया जून में हमारी आत्मा भटकती रहेगी। तो उसके लिए करना क्या है, कह रहे हैं कि क्यों भटकता फिर रहा तू ए तलाशे यार में, जैसे और जिसको मस डियर कहते हैं, हिरन है, कस्तूरी का हिरन, तो कस्तूरी के हिरन के अंदर से कस्तूरी निकलती है, उसकी खुशबू बड़ी अच्छी होती है, तो जब हिरन वो खुशबू को सूंघता है तो वो ढूंढना शुरू करता है कहाँ से आ रही है, तो कभी वो यहाँ पे भागता है उसको ढूंढने, कभी वहाँ भागता है, कभी वहाँ भागता है, कभी वहाँ भागता है, उसको समझ में नहीं आती कि खुशबू उसके भीतर से आ रही है, हमारी हालत है, भूल जाते हैं कि प्रभु हम सबके भीतर है, हमारे अंदर है। यहाँ पे ये समझा रहे हैं कि क्यों भटकता फिर रहा तू ए तलाशे यार में, कभी यहाँ पे भागता है, कभी यहाँ भागता है, कभी वहाँ भागता है, कभी यहाँ भागता है। तो यहाँ पर तुलसी साहब फरमा क्यों तू भटक रहा है, कभी इधर सवाल पूछता है, कभी वहाँ सवाल पूछता है, कभी वहाँ सवाल पूछता है, कभी वहाँ सवाल पूछता है। फरमा रहे कि रास्ता शारग में है दिलवर पे जाने के लिए, वो कह रहे रास्ता क्या है, सुषुम्ना नाड़ी में, शारग किसको, सुषुम्ना नाड़ी को कहा जाता है। तीन रास्ते थे, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, एक लेफ्ट, एक राइट, एक मिडल वे, एक खब्बा, एक सज्जा और बीच का, ईड़ा और पिंगला। लेकिन जो सही रास्ता है प्रभु को पाने का वो तुलसी साहब में, वो सुषुम्ना नाड़ी में है। तो फरमा रहे हैं कि रास्ता शारग में है दिलवर पे जाने के लिए, कि इधर भागने की जरूरत नहीं, उधर भागने की जरूरत नहीं, रास्ता तुम्हारे अंदर है, जिसको सुषुम्ना नाड़ी कहा जाता है। जो हम यहाँ से जाते हैं तो अंदर भी कई रास्ते हैं, जो बीच का रास्ता है वही संतमत का रास्ता है, वही संतों महापुरुषों का रास्ता है। उसी की बात यहाँ तुलसी साहब जी महाराज फरमा रहे हैं कि हम यहाँ ना भागें, वहाँ ना भागें, वहाँ ना भागें, अभ्यास करें, शरीर को शांत करें, मन को शांत करें, और जो मिडिल वे है, जो जो शारग है, जो सुषुम्ना नाड़ी का रास्ता है, उसको अपनाएं, तब हम सचखंड तक पहुँच पाएंगे। नहीं तो अगर ईड़ा में चले गए और पिंगला में चले गए तो हम ये नीचे ही रुक जाएंगे और निचले के मंडलों को ही सोचेंगे कि हम पहुंच गए हैं, लेकिन हम उनमें फिर से घूम जाएंगे। तो समझा रहे हैं कि कौन सा रास्ता हमने अपनाना है, अगर प्रभु को पाना है तो सुषुम्ना नाड़ी का रास्ता जो प्रभु तक जाता है उस रास्ते पर हमें जाना होगा। ये जो अंदर का रास्ता है ये आत्मा की उड़ान का रास्ता है। संदर्शन सिंह जी महाराज ने फरमाया कि खाक से ताबा क्या कशां, हमने तो जब किया सफ़र, इश्क मिला कदम कदम, हुस्न मिला नजर नजर। वो कहते जब मैं ये खाक, ये जमीन, ये धरती, ये बाहर की चीज़ें, मिट्टी की जो बनी है, खाक से क्या कशां, जो अंदर के चिदाकाश हैं, कि कहते हैं जब मैं इस शरीर से ऊपर उठा और अंदर की दुनिया में बढ़ा, कि इश्क मिला कदम कदम, हुस्न मिला नजर नजर, कि जो अंदर की दुनिया है वो प्यार से भरपूर है, और जो अंदर की दुनिया है उसमें और खूबसूरती, और खूबसूरती, और खूबसूरती। जैसे जैसे चेतनता बढ़ती जाती है वैसे वैसे चीज़ें, क्योंकि जो पर्दे हैं मन माया के, जब वो हटने शुरू हो जाते हैं तो हम अपने आप को अपने जो ओरिजिनल स्टेट है उसमें पाते हैं, और उसमें फिर और खूबसूरत, और खूबसूरत, और खूबसूरत सब कुछ हमें दिखना शुरू होता है, वही हम अनुभव करते हैं। तो यहाँ पे ये फरमा रहे हैं कि रास्ता शारंग में है दिलवर पे जाने के लिए, और अब ये बता दिया कि तरीका क्या है, अपने आप को सद्गुणों से भरो, अभ्यास करो, शरीर को शांत करो, मन को शांत करो, ध्यान पिता परमेश्वर की ओर करो, सिमरन करो, फिर ध्यान अंदर की दुनिया में जाओ। अब जाओ कैसे,
ये तो थ्योरेटिकल पता लग गया ना कि भाई क्या करना क्या है, अब करें कैसे। वो समझा रहे हैं मुर्शिदे कामिल से मिल, सिद्दक और सबूरी से तकी। मुर्शिदे कामिल, एक जीते जागते महापुरुष से जाके मिलो, एक सद्गुरु से जाके मिलो, कि मुर्शिदे कामिल से मिल। और मिलना कैसे है, समझा रहे हैं कि सिद्दक और सबूरी से तकी, के शांति से और संतोष होकर। कि अगर उनके पास जाना है तो हलीमी से जाना है, कि अगर आप नम्रता से आओगे, अगर आप संतोष होके आओगे, शील होके आओगे, शांत होके आओगे, तब आप इस रास्ते को पा सकोगे। तो समझा रहे कि हमें कैसे वो रास्ता पाना और कहाँ से मिलेगा। तो फरमा रहे हैं कि मुर्शिदे कामिल से मिल, सिद्दक और सबूरी से तकी, के शांति से और संतोष होकर, अपने आप को शांत कर कर जब मिलोगे तो फरमा रहे हैं जो तुझे देगा फहम शारक के पाने के लिए। तो कह रहे हैं फिर तुम्हें मालूम होगा, वो आपको बताएंगे कि ये सुषुम्ना नाड़ी के रास्ते में आपने कैसे जाना है। जो सुषुम्ना नाड़ी में जाने का तरीका है वो आपको एक मुर्शिदे कामिल, एक जीते जागते महापुरुष से मिलेगा। ये यहाँ पर तुलसी साहब जी महाराज फरमा रहे हैं कि कैसे करना क्या है पता लगे, कहाँ से पाएं वो शिक्षा, कि स्कूल में मिलेगी नहीं, किसी कॉलेज में मिलेगी नहीं, एक जगह पे मिलेगी नहीं, किसी और जगह पे मिलेगी नहीं, कि किसी महापुरुष से मिलेगी जो प्रभु से एक में एक हैं, जिन्हें हुक्म मिला है कि वो हमें भी प्रभु से जोड़ दें। वही यहाँ तुलसी साहब हमें समझा रहे हैं कि वो अपनी कमाई का हिस्सा को हमें देते हैं। जब हम स्कूल कॉलेज में पढ़ने जाते हैं तो जो टीचर प्रोफेसर उन्होंने जो सीखा उसमें से कुछ हमें सिखाते हैं तभी हम सीख पाते हैं, उन्होंने कुछ सीखा वो पढ़े लिखे हैं तभी वो हमें सिखा पाते हैं। तो एक पूर्ण महापुरुष जिन्होंने अपनी कमाई की, जो प्रभु से एक में गए, तो अपनी कमाई का थोड़ा सा हिस्सा हमें देते हैं और उनकी कमाई का थोड़ा हिस्सा हमारे लिए बहुत हिस्सा है, क्योंकि हमारे ये दसवां द्वार जो बंद है इसको वो खोल देता है, ताकि हम जो इस वक्त नौ द्वारों से बाहर इंटरैक्ट कर रहे हैं, हम फिर दसवें द्वार पर पहुंच जाते हैं और उनकी मदद से अंदर की दुनिया में जाने के लायक होते हैं। और फरमाते हैं जो तुझे देगा फहम, कि जो भेद है शारक के पाने के लिए, जो शारक में जाने का रास्ता है उसका जो भेद है, उसकी जो सीक्रेट है, वो तुझे उनसे मिलेगी। और आगे फरमा रहे हैं कि ये सदा तुलसी की है, वो कह रहे हैं कि ये मेरी आवाज़ है, ये सदा तुलसी की है, आमिल अमल कर ध्यान से, कह रहे इसको ध्यान से सुन और इसको सुनी मत, इस पर तू पक्का हो जा, तो आमिल अपनी ज़िंदगी में इसको ढाल। अगर तूने ज़िंदगी के मकसद को पाना है, अगर तूने पिता परमेश्वर से मिलना है, तो जो मैंने तुझे कह दिया है तुलसी साहब फरमा रहे हैं इसको तू ध्यान से सुन और इसको अपनी ज़िंदगी में ढाल। प्रभु को पाना है तो शरीर से ऊपर उठना होगा, इस शरीर को शांत करना होगा। जब शरीर से ऊपर उठेंगे तो अंदर की दुनिया में जाना होगा, वहाँ हमें मदद चाहिए। और एक सद्गुरु जो हमें नाम की देन देते हैं वो इस दसवें द्वार को खोलते हैं, ऊपर यहाँ टिक जाते हैं, उनका नूरी स्वरूप यहाँ टिकता है। हम जब भी अंतर्मुख होते हैं वो फिर हमें मदद करके पिंड के देश से अंड में और आगे लेके जाते हैं। तो अभ्यास करना हमारा काम है, रास्ता दिखाना उनका काम है। तो यहाँ तुलसी साहब जी हमें समझा रहे हैं कि किस तरीके से हम जिंदगी के मकसद को पूरा कर सकते हैं। हम सब यहाँ इस धरती पर भेजे गए हैं क्योंकि प्रभु चाहते हैं कि हम वापस उनसे जाकर मिलें। प्रभु ने हमें यह सुनहरा मौका दिया है अपने आप को सही रूप में जानने का और पिता परमेश्वर को पाने का। हम सब प्रभु को पा सकते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं, लेकिन पाएंगे कौन? जिनका ध्यान प्रभु की ओर होगा, जो प्रभु से प्रेम करेंगे। और जब ध्यान हम प्रभु की ओर करेंगे और प्रभु से प्रेम करेंगे तो हम ज़रूर इसी ज़िंदगी में पिता परमेश्वर को पा लेंगे। मेरी पिता परमेश्वर के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर है वो हमारी ज़िंदगी में ढले। प्रभु की इतनी देन हो कि इस माया की दुनिया में जीते हुए हमारा ध्यान पिता परमेश्वर की ओर हो, उनका खिंचाव इतना ज़्यादा हो कि दुनिया की कोई भी चीज़ हमें जकड़ ना सके।
और हम इसी जिंदगी में अपने आप को जानते हुए पिता परमेश्वर को पालें। तो थोड़ी देर के लिए हम सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे हैं आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। जो आंखों के डेले आई बोलते हैं सीधे सामने होने चाहिए, जैसे 8-10 इंच आपके सामने फोकस हो। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है आप सिमरन कीजिएगा। जो भाई बहन नए हैं आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मनी मन करना है, ऊँचा नहीं दोहराना। जो कुछ आपके सामने दिखता है बड़े ध्यान से देखिएगा और बहुत से नज़ारे आपके लिए खुलने शुरू हो जाएंगे। मेरी हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज की चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो ये महापुरुष हमें दें, हमें सबके साथ जोड़ें और हमारे भीतर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, हाँ प्लीज लीव ऑफ।